गुड़सराय के ग्राम अस्ता में शराब के ठेके पर हुई चोरी करने वाले को शराब लदी में आपस शहद गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार युवकों ने एरच में हुई चोरियों को भी कबूला। वहीं झांसी के थाना अध्यक्ष गुड़सराय अजीत सिंह एवं थाना अध्यक्ष एरच त्रिजीत सिंह रात्रि को गश्त पर थे, तभी गड़वई त्राहे पर गुड़सराय की ओर से रात्रि 11 बजे एक आपे तेज गति से कोटरा की ओर जा रही थी। त्राहे पर गश्त कर रहे पुलिस कर्मियों ने उसे रोका, लेकिन उसने पुलिस देख भागने का प्रयास किया, लेकिन वह चोर भागने में सफल नहीं हो सके। और आपे में बैठे 4 लोगों को शराब से लदी आपे शहद गिरफ्तार कर लिया और गुड़सराय थाने ले आई, जहां पूछताछ के दौरान उन्होंने एरच में हुई चोरियों को भी कबूला। पुलिस द्वारा गिरफ्तार लोगों में पुष्पेंद्र, रविकांत, मानवेंद्र, कृष्णकांत शामिल रहे। चारों व्यक्ति ग्राम बमौर थाना एरच तहसील गरौठा के निवासी बताए जा रहे हैं, जिनके पास से 495 देसी शराब के क्वार्टर व 1 अदद तमंचा देसी 315 बोर व 2 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज तथा 1 आपिस सहित अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया है। अभियुक्तों द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी गरौठा डॉक्टर अभिषेक कुमार राहुल के समक्ष प्रस्तुत कर चोरियों का खुलासा किया। इस दौरान उपनिरीक्षक रवि कुमार गुड़सराय, उपनिरीक्षक त्रिभुवन सिंह एरच, उपनिरीक्षक आदेश कुमार एरच, संजीव कुमार, संजय कुमार गुड़सराय तथा रणजीत सिंह, नीरज कुमार, राहुल कुमार एरच उपस्थित रहे। सर आज ये क्या मामला है, किस चीज का खुलासा हुआ? ये थाना गुड़सराय और एरच की टीम द्वारा रात्रि में सर्चिंग की जा रही थी। इसमें एक अप्पे को रोका गया जिसमें 4 लोग सवार थे। गाड़ी से अवैध शराब बरामद हुई। इस संबंध में जब शराब के बारे में तस्दीक हुई तो पता चला कि ये 2 ठेके जो एरच और गुड़सराय थानों में थे, यहाँ से चोरी हुआ था सामान, और इस संबंध में मुकदमा एरच और गुड़सराय में लिखा गया था, उसी का संबंधित यह माल था, ये बरामद हुआ। साथ ही साथ में इसमें एक अभियुक्त के पास से तमंचा बरामद हुआ है। टोटल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक अप्पे गाड़ी वो जो है सीज की गई है। साथ ही साथ करीब करीब 495 क्वार्टर जो देशी शराब है वो बरामद हुआ। सर अभी आपने चार्ज लिया है, कानून व्यवस्था पर कुछ कहना चाहेंगे? आगामी चुनाव भी आ रहे हैं, पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराना है, किसी भी तरह का जो है अराजकता का माहौल नहीं पैदा होने देना है, और आम जन को ये भरोसा दिलाना है कि मतदान करें और सुरक्षित जो है मतदान कराएं, ये हमारी जिम्मेदारी है मतदान कराने की, और उनको एक सुख। गरौठा से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट, UP 24 न्यूज़।